सतना के AKS विश्वविद्यालय के सभागार में स्नेहा इवेंट्स एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर विष्णु मिश्रा के तत्वावधान में आयोजित भव्य बुक विमोचन समारोह में कैप्टन डॉक्टर AD माने की जीवन शैली पर आधारित प्रसिद्ध लेखक मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चों की पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को यहां मौजूद लोगों ने खूब सराहा। डॉक्टर AD मानेक ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इस पुस्तक के माध्यम से समाज में जागरूकता के साथ संघर्ष और चुनौतियों से लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लोगों को मिलेगी। जीवन एक युद्ध है, हमें कभी अपने आप से तो कभी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बेहतर साहित्य समाज का दर्पण होता है और मोटिवेशनल साहित्य से हम सभी को जीवन में सफल होने की प्रेरणा मिलती है। हम स्वयं सफल होते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। AKS यूनिवर्सिटी सतना मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम जो उद्देश्य है, ये हमारी किताब है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जिसका विमोचन किया गया। ये किताब एक ऐसी कहानी है, इसमें इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक घास काटते हुए बच्चा मजदूर आखिर में पायलट कैसे बना, उनकी जर्नी कैसे रही, और ये भारत देश के जो नव युवा है जो दबे हुए हैं मन से तन से दिमाग से, वो आगे आए, उसके एक मकसद था। उसमें हम सभी राज्यों में जा रहे हैं और आज हम आपके मध्य प्रदेश राज्य में सत्ता उसमें आए हुए हैं और एक बुक का हमने विमोचन किया। इस बुक का विमोचन करने का मतलब क्या था? मतलब ये है कि ये बुक घर घर कॉलेज कॉलेज में उसकी उम्र बच्चा पढ़ेगा, उसमें कुछ सीखेगा, आगे बढ़ेगा। इस तरह की स्टोरी है। उसकी जो आमदनी है, जो भी प्रॉफिट है, ये चैरिटी में जाने वाली है, जिसमें हम हॉस्पिटल बनना चाहते हैं। वो अस्पताल ऐसा है जिसमें कोई बिल्डिंग काउंटर नहीं है, जिसमें एयर एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम कैप्टन AD माने, मुंबई, स्काईलैंड एविएशन क्लब मुंबई।